बड़ी खबर सामने आई चीन की नई चाल। जिनपिंग ने एलएसी पर जवानों से बात की है। बॉर्डर पर तैनात अपने जवानों से जिनपिंग ने बात की है। जिनपिंग ने युद्ध की तैयारियों का भी जायजा लिया है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस जगह पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। इसका पूर्वी लद्दाख का हिस्सा बेहद मुश्किल माना जाता है और यहां भारत ने कई बार चीन की घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन नई खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पीएलए की तैयारियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया है। यानी चीन की नई चालबाजी की एक और तैयारी सामने आई है। चीन और भारत, जिनके बीच लगातार 2022 से ही तनाव जारी है, और इस बीच जिनपिंग ने एलएसी पर जवानों से बात की है, युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया है। भारतीय सेना की ओर से भी चीन की सेना की मिरर इमेज, यानी जितने सैनिक चीन के तैनात हैं उतने ही भारत की ओर से भी तैनात किए गए हैं। गाहे बगाहे चीन की ओर से जो आक्रामकता दिखाई जाती है उस पर भारत की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एलएसी पर अपने जवानों से बात की है, युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के नापाक इरादों का एक और सबूत। एक और चीन की सेना एलएसी पर लगातार शरारत के मकसद से तैनात है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बॉर्डर पर तैनात अपने जवानों से बात की है। चीन जिसने भारत की सीमा पर जवानों की तैनाती कर रखी है, पीएलए की तैनाती कर रखी है, उसका मकसद भारतीय सीमा में घुसपैठ करना था। लेकिन भारत ने कोविड काल के दौरान भी मुंहतोड़ जवाब दिया।